दोस्तों, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है जो कि हमारे आसपास ही होती हैं, और इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियाँ हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थे, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी न होने की वजह से ये सभी वनस्पतियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो हम अपने इस्माइल फैमिलीज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्य वर्धक जानकारी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीभा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीभा, गोजी और खड़पल्ली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं तो राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसलिए इसे गोजीभा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारत वर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है। खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है। पेशाब साफ आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झनझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें। ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें, आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता, इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीस कर छान लें और इसके रस को एक चम्मच में ले लें, थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कब ढीला हो जाता है निकल जाता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीस कर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बादी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य के निगरानी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, क्योंकि समस्त वनस्पति में भगवान कृष्ण का वास होता है। एक लाइक जरूर करें।